सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मेरे द्वारा अभी तक जानकारियां दी जा रही हैं डेली अपडेट्स रिलेटेड, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे फ्रंट में डेली अपडेशन, तो डेली अपडेशन यहां पे करवाया जाता है। जो डेली एडिशन होता है, नेशनल एडिशन का होता है दैनिक जागरण, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे पास जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज है, कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हो चुका है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 4 से 15 अप्रैल तक हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन भारत ने सात पदक जीते, जिसमें एकमात्र स्वर्ण पदक बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने महिला सिंगल्स में भारत की ही पीवी सिंधु को हराकर जीता। भारत ने कुल 26 स्वर्ण, 20 रजत व 20 कांस सहित कुल 66 पदक जीते और दूसरे नंबर पर रहा। थर्ड नंबर पे 198 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले और 136 पदकों के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पर रहा। तो भारत को भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने खेलों का पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। और इधर बात करें बैडमिंटन महिला सिंगल्स में स्वर्ण पदक विजेता साइना नेहवाल और रजत विजेता पीवी सिंधु तिरंगे के साथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पीवी सिंधु ने इसका उद्घाटन किया था और समारोह जो लास्ट में बोले समापन किया गया था मॉम के नाम से जानने जाने वाली, मतलब जिनके मैरी कॉम बोल सकते हैं, मैरी कॉम के द्वारा। तो भारतीय दल के प्रदर्शन का हर भारतीय को गर्व है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। मैरी कॉम बनी ध्वजवाहक। तो 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रविवार को गोल्ड कोस्ट में कारास स्टेडियम में शानदार समापन समारोह हुआ, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और देखें अगर तो भारत के सबसे ज़्यादा 16 पदक निशानेबाजी में हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। पुरुषों ने 13, महिलाओं ने 12 स्वर्ण जीते, मिक्स्ड में 1 स्वर्ण आया। बात करें इधर कॉमनवेल्थ गेम्स में तो ओवरऑल 504 पदक हो गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक के, जो 21वें पदक तक में 504 पदक हो गए हैं। तो ओके, ओवरऑल आप देखें तो भारत चौथे नंबर पर है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और बात करें अगर नाइट क्लब का उद्घाटन, तो नाइट क्लब का उद्घाटन और उसका फीता काटा भाजपा सांसद महंत साक्षी महाराज ने। तो नाइट क्लब का उद्घाटन हो गया है लखनऊ के अलीगंज में, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकती है। मिलेगा, ये भी देख सकते हैं, जिसमें गोविंद वन्यजीव विहार के क्षेत्र में 43 और अस्कोट जो अभ्यारण्य है उसके अंतर्गत 17 गांव आते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मार्टिन सोरेल ने छोड़ा WPP। तो WPP कब उन्हें छोड़ दिया है CEO का जो पद था, तो दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी होती है WPP। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज फॉर टुडे। तो मार्टिन मोरेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सोरेल पर हाल ही में कंपनी को कुछ संपत्तियों का इस्तेमाल निजी हित में करने का आरोप लगा था। हालांकि कंपनी की जांच के बाद इस मामले में राशि ऐसी नहीं है कि उसे कोई मुद्दा माना जाए। इस बीच 73 वर्षीय सोरेल ने कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि इन आरोपों से कंपनी और इससे जुड़े लोगों पर बुरा असर पड़ा है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स जो हमारे कॉमनवेल्थ प्लेयर्स के थे। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट। और इसके साथ जो आज की डेट में है, तो आज की डेट में शीत युद्ध शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था, तो बर्नार्ड मेनस बोले बर्नार्ड मेनस बारूच ने 1947 में
आज ही संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे टकराव भरे संबंधों के लिए पहली बार शीत युद्ध नाम दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच टकराव हो रहा था, कितनी गर्मी लग रही है, शीत युद्ध का नाम दिया था। बारूच दोनों विश्व युद्धों में अमेरिका के प्रमुख रणनीतिकार रहे थे, उन्हें वित्तीय संचालन में माहिर माना जाता था। और भारत पे आज ही चली पहली ट्रेन, भारत में आज की डेट में पहली ट्रेन चली थी माय फ्रेंड्स, तो आज 16 अप्रैल आज की डेट में पहली ट्रेन चली थी जो कि बोरीबंदर से 34 किलोमीटर दूर थाने तक चली थी और जिसमें 14 कोच की ट्रेन थी और 400 यात्री थे और 1853 में चली थी आज के दिन ये ट्रेन। इसे लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। आज भारत में अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में कि विश्व में भारत का रेल नेटवर्क में कौन सी स्थान है। तो बात करें तो अमेरिका का पहला है और चीन का दूसरा और तीसरा भारत का है। और दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन ने लिया जन्म आज ही डेट में 16 अप्रैल को। ताबड़तोड़ दो विश्व युद्धों से दुनिया में छाई निराशा के बीच लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी करने वाले प्रसिद्ध हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन का जन्म 1889 में आज ही के दिन लंदन में वालवर्थ की ईस्ट स्ट्रीट में हुआ था। तो बचपन में ही माता पिता के अलग होने का दुख सहा, तीन शादियाँ टूटी, तीन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने दूसरों को हंसाना नहीं छोड़ा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की। ओके, इसी प्रकार की अपडेशन के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू बने रह सकते हैं। और माई फ्रेंड्स, इतनी गर्मी के बाद भी मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि चांस में सभी क्वेश्चन कवरअप कर लिए जाएं। तो अगर आप मेरे इस चैनल का सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना है आपको, सब्सक्राइब करने के लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। सो प्लीज़ हेल्प फॉर माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।